9, 10. Good. I am the गुड। 10+2 में किसका साइंस था, हाथ खड़ा करो। 10+2 में साइंस था, जिनके 70 या 70 से ऊपर नंबर थे। बस एक ही बंदा है। साइंस ऑफ मोशन वही गाड़ी वाला। ये जो मतलब बेसिकली पॉइंट ये था कि जो गाड़ी रुकी है वो कौन से फोर्स की वजह से रुकी है। अग्निपथ के बारे में ना काफी अंधे फौज में आते हैं कि बंदों को पता चलता है कि नहीं यार मैं तो ये ज्यादा अच्छा करता था, मेरे को तो पता ही नहीं था मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है कोई भाई दौड़ने में अच्छा होगा। मेरा नाम यासर है जी, हम बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं। तो हम आर्मी में इसे जाने जाते हैं कि हमें जो मिलिटेंट ने जो है काफ़ी बार, जैसे 1947 में जंग हुई, जब भी जंग हुई तभी मिलिटेंट्स थे जो उनकी जो बहुत बेहुदा हरकतें थी, तो बहुत तंग किया जाता था लोगों को। कहीं आएंगे बुरहानवाली जैसे, हमारी जो है इंडियन आर्मी जो है उनके लिए एक जज्बे के साथ खड़ी हुई है, और हम भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं और देश की सेवा। तो इंडियन आर्मी की तरफ से हमें इधर ट्रेनिंग करवाई जाती है, सुबह पहले रनिंग होती है, फिर फिज़िकल वगैरह करके फिर हमें जो है रिटर्न की तैयारी कराई जाती है। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, हमें एक तो जो नशे वाले लड़के हैं उनको ड्रग्स से और दूसरी चीज़ों से दूर रखने की जो है एक अच्छी सोच है, ये कराई जाए। नाम गुरविंदर सिंह है, मैं मनकोट का रहने वाला हूँ। इधर मेंडर के मेंडर शहर में ट्रेनिंग के लिए आता हूँ। इंडियन आर्मी यहाँ पर ट्रेनिंग करा रही है अग्निवीर योजना से। 4 साल की जो भर्ती है बहुत अच्छी भर्ती है, इसमें मैं भी योगदान लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इधर ट्रेनिंग के लिए आता हूँ। मनकोट में लोकल बॉर्डर एरिया के साथ से ही विलेज है मेरा, बहुत गोलाबारी होती है, और सरकार से मैं यही अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी भर्ती को निकाला जाए। मेरा नाम करण शर्मा है, मैं गोलदगा रहने वाला हूँ, बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो जो सरकार ने ये स्कीम निकाली है अग्निवीर योजना की, तो यहाँ पर हमें इंडियन आर्मी की तरफ से हमें ट्रेनिंग दी जाती है, मेडिकल भी कराया जाता है और रिटर्न की तैयारी भी की जाती है। मैं गोलदगा रहने वाला हूँ, और यहाँ जो मेंडर गनर जेस ऑफ स्पेड्स जिन्होंने ये प्रोग्राम चलाया 15 दिन का, कि हमें फिज़िकल ट्रेनिंग वो दे रहे हैं यहाँ पे, और मेडिकली भी बता रहे हैं कि कैसे रिक्रूटमेंट एक नॉर्मल रिक्रूटमेंट होती है, और वो हमें मेडिकल का तो बता ही रहे हैं, साथ में वो रिटर्न की भी क्लासेस हमें दे रहे हैं कि आफ्टर दैट मेडिकल के बाद जो रिटर्न होता है कैसे होता है, किस प्रकार का होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर वहाँ होते हैं, वो यहाँ पे सब कुछ बता रहे हैं। अग्निवीर एक गवर्नमेंट ने मैक्सिमम एक चाहा है कि आर्मी के अंदर यूथ हो, यानी आर्मी इंडियन आर्मी हमेशा नहीं रहे, इसलिए अग्निवीर लाए गए हैं। अग्निवीर का एज क्या है, लिमिट क्या है, 17.5 से 23, पहले 21 साल था, लेकिन कोविड की वजह से भर्ती नहीं हो पाई, इसलिए इसको 2 साल बढ़ा करके 23 साल कर दिया गया। और आप सब ने हमेशा कोशिश करना है कि अपना 100% दें, फिजिकल ज़्यादा करना है, क्योंकि आप सभी लोग सीमावर्ती लोकेशन से ही आ रहे हो, और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपना कोशिश करो। हम तो यही चाहेंगे कि सभी बंदे लगभग सभी अग्निवीर में भर्ती हों,